जरूरत है, बहुत जरूरत है। सर अभी हम लोग वी आर कमिंग टू द लास्ट फेज और हमने आपसे बहुत कुछ सीखा और एक्चुअली ये इतना बड़ा टॉपिक है कि हमारे आधे घंटे के शायद एपिसोड में कंप्लीट ना हो और जो भी क्वेश्चंस आएंगे हम लोग आपसे फॉलोअप करेंगे। लेकिन जाते जाते जो लोग डायबिटीज से सफ़र कर रहे हैं वो अपने फूड का केयर कैसे लें, क्योंकि वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट बेसिकली डायबिटिक न्यूरोपैथी एक ऐसा कॉम्प्लिकेशन है कि वो नॉन रिवर्सिबल है। यदि नॉन रिवर्सिबल का मतलब मैं बताता हूँ, यदि किसी को डायबिटिक की वजह से हार्ट अटैक आया तो उसको एंजियोप्लास्टी कर सकते हैं हम लोग या बायपास कर सकते हैं और पेशेंट अच्छा जी सकता है। किसी को डायबिटीज़ की वजह से नेफ्रोपैथी हुआ तो उसको अच्छा डायबिटीज़ कंट्रोल, ब्लड प्रेशर कंट्रोल, कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करेंगे तो फिर बेसिकली उसका डायबिटिक नेफ्रोपैथी से नॉर्मल भी किडनी करा सकते हैं हम लोग। लेकिन डायबिटिक न्यूरोपैथी ऐसा सिम्टम है कि एक बार चालू हुआ तो रिवर्स नहीं होता है, नॉर्मल नहीं होता है। तो ये डायबिटिक न्यूरोपैथी इंडिया में बहुत कॉमन है। 60% डायबिटीज़ पेशेंट को जनरली न्यूरोपैथी के कुछ ना कुछ सिम्टम होते हैं। सो न्यूरोपैथी ये लॉन्गेस्ट नर्व में पहले चालू होता है डायबिटीज़ में, तो इसके लिए पहले पैर में प्रॉब्लम चालू होते हैं। तो पहले पैर में तुमको झुंझुनाट आना, टिंगलिंग होना, मतलब मुंगी जैसा आना, जलन होना, ये पहले सिम्टम्स चालू होते हैं जिसको हम लोग पॉजिटिव फिनोमेना बोलते हैं, पॉजिटिव सिम्टम्स बोलते हैं। तो पेशेंट को बहुत बर्निंग होता है, बर्निंग मतलब ज़्यादा बर्निंग की वजह से पेशेंट की नींद हराम हो सकती है, तो उसको हम पॉजिटिव सिम्टम बोलते हैं। तो ऐसे पेशेंट्स को इमिडिएटली डायबिटीज़ का कंट्रोल टाइट करेंगे, जहाँ इंसुलिन की ज़रूरत है इंसुलिन देंगे, तो ऐसे पेशेंट को सिम्टम थोड़ा सा अच्छा हो सकता है, बाद में आगे प्रोग्रेस नहीं होगा। लेकिन ये पेशेंट से भी समझो डायबिटीज़ कंट्रोल नहीं करेंगे तो ये पॉजिटिव सिम्टम निगेटिव में कन्वर्ट होके धीरे धीरे पेशेंट को सेंसेशन लॉस होना चालू होता है। तो पेशेंट बोलता है कि मुझे नीचे ज़मीन नहीं समझ रही, मुझे ऐसा लगता है कि नीचे गद्दी है या नीचे कांटे हैं, तो मुझे समझ में नहीं आता है। कुछ दिनों के बाद इस सेंसेशन से मोटर न्यूरोपैथी होती है, तो जो पैर के मसल्स होते हैं, जो हम चप्पल पकड़ते हैं उसको बोलते हैं मोटर मसल पावर, तो वो भी कम होता है, तो चप्पल पैर से छूट जाती है। और जैसे जैसे चप्पल पैर से छूट जाती है तो पैर चप्पल पकड़ने के लिए उंगली दबा के पेशेंट चलने की कोशिश करता है और बाद में उसको अल्सर होना चालू होता है। अच्छा। तीसरा चीज़ डायबिटिक ऑटोनॉमिक न्यूरोपैथी करके और एक उसका कनेक्टिव डिसीज होता है, जिसमें जनरली 10 साल डायबिटीज़ का उम्र 10 साल होने के बाद इन लोगों में पैर के जो बाल होते हैं तो बाल निकल जाते हैं बेसिकली। उसके बाद उसके स्किन जो पैर मतलब नी जॉइंट के नीचे जब स्वेट ग्लैंड जो रहते हैं, घाम ग्रंथि जो बोलते हैं हम लोग, स्वेट्स बनाने वाले, वो भी काम कम करते हैं, तो स्वेट्स तैयार नहीं होता है। तो उसके वजह से पैर जो मुलायम रहने चाहिए, स्किन इंटैक्ट रहनी चाहिए, वो इंटैक्ट नहीं होती है। अच्छा। पैर ड्राई होना चालू होते हैं। तो आप यदि पैर डायबिटीज़ के पेशेंट का पैर देखेंगे तो उसके काफ़ी सारे क्रैक्स दिखेंगे आपको, ड्राइनेस दिखेगा, स्केलिंग दिखेगा। अच्छा। तो इन लोगों में बेसिकली बाद में बैक्टीरिया एंट्री करके सेलुलाइटिस एंड डायबिटिक फुट अल्सर होना चालू होता है, और बाद में एक बार अल्सर चालू हुआ तो फिर वो गैंग्रीन में कन्वर्ट होता है और बाद में पैर काटने की एम्पुटेशन करने की जरूरत। पूरा स्टेप वाइज प्रोग्रेशन है, स्टेप वाइज प्रोग्रेशन, तो हम लोग ख्याल भी ज्यादा रख सकते हैं। यस यस। अच्छा, तो एक नॉर्मल पर्सन अपने पैरों का ख्याल रूटीन में, जिसको अभी तक कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, कैसा रखता है, वो कैसे रखे? तो बेसिकली सबसे इम्पोर्टेंट हमको एक याद रखना है कि हमको यदि सेंसेशन नहीं है पैर के तो हमको खुद को पेशेंट को देखना पड़ेगा। बहुत बार आपने देखा होगा आपके लाइफ में कि किसी को डायबिटिक फुट का अल्सर हुआ और वो वैसे ही फुट के अल्सर के साथ ही चलता है, तो वो ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि क्यों चलता है वो, क्योंकि उसका दर्द ही नहीं है, उसके पास दर्द ही नहीं है, तो प्रोटेक्टिव सेंसेशन नहीं होने की वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आते हैं। तो बेसिकली इंस्पेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। इंस्पेक्शन का मतलब हमारा पैर जो है, पैर का नीचे का जो हिस्सा है, तलवा जो बोलते हैं हम लोग, उसको हमको इंस्पेक्शन करना है हर दिन। उसमें देखना है कि मेरे पास ऐसे कुछ 2-3 पेशेंट आए थे कि रात में उनका एक उंगली पूरा उंदीर ने काट के लिया और उनको सुबह उठ के समझा। अच्छा। या कोई पेशेंट ऐसे पेशेंट आए थे कि जो बस से ड्राइवर के पीछे के सीट में बैठ गए और जो उसका पैर था पतरे के ऊपर था और पतरा गर्म हुआ तो पैर जल गया। तो बेसिकली ये क्यों होता है? लॉस ऑफ प्रोटेक्टिव सेंसेशन की वजह से। सो इंस्पेक्शन करना जरूरी है, आंख से देखना है। अच्छा। कि मेरा पैर सही है कि नहीं, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। Okay. दूसरा चीज, दोनों उंगली के बीच में जो मतलब गंदा चीज जमा होता है, फंगस जमा होता है, तो उसको क्लीन करना जरूरी है। Okay. ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा, जैसा मैंने बताया कि आपके पैर के अंदर घाम ग्रंथि कम हो गया, आपका पैर मुलायम नहीं है, आपका पैर ड्राई हो रहा है, तो आपको सॉफ्ट क्रीम्स जो पैर को नरम रख सकते हैं, मॉइस्चराइजिंग मॉइस्चराइजिंग क्रीम्स आपको हर दिन लगाना है और लाइफ लॉन्ग लगाना है। Okay. और आपको उसको पैर को मुलायम रखना है। तीसरा चीज, बेसिकली आपको सैंडल या शूज ही पहनना है, आपको पकड़ने वाले चप्पल शूज नहीं पहनना है या हाई हील
चप्पल्स भी नहीं पहनना है आप जो पेशेंट्स को डायबिटीज़ है, और जब आपको शूज़ या चप्पल खरीदना है तो आपको शाम को खरीदना है, सुबह के टाइम पे नहीं खरीदना है, क्योंकि इन लोगों को डायबिटिक ऑटोनॉमिक न्यूरोपैथी की वजह से सूजन होता है पैर में, तो शाम को उनका 8 नंबर रहेगा, सुबह 7 रहेगा। अच्छा। तो हम लोग एक नंबर भी कम ज़्यादा करेंगे तो टाइट हो जाएगा, तो इसके लिए शाम को शूज खरीदना है, शाम को ही शूज खरीदना है। तो इन लोगों को डायबिटिक फुटवेयर, जहाँ पे MCR MCP नाम के चप्पल रबर हमारे पास हम देते हैं जो पेशेंट्स को जरूरत है, तो ये काफ़ी सारा चीज़ हमको बेसिकली इंस्पेक्शन और उसको अच्छी तरह से नेल कटिंग, उसके बाद में पैर का स्किन को मुलायम रखना, ये सब चीज़, मॉइस्चराइजर यूज़ करना, डायबिटिक फुटवेयर यूज़ करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मतलब अगर पूरा ऑप्टिमम केयर ले तो कोई भी इंसान अपनी ज़िंदगी डायबिटीज़ के साथ भी बहुत अच्छी जी सकता है। मतलब ये कॉम्प्लिकेशन जो डरावने हैं इनका कुछ काफ़ी हद तक ख्याल रखा जा सकता है। सर जाते जाते दो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे फिर से याद आ गए। एक तो है कि स्मोकिंग, डायबिटीज़ और स्मोकिंग का कॉम्बिनेशन, आपका पर्सनल क्या ओपिनियन है उसके बारे में, और ये जो रेकरेंट UTI होता रहता है डायबिटीज़।